स्पेशल ट्रेन चलाई गई थी, लेकिन वो कैसे मौत की ट्रेन बन गई, हम आपको अपनी इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। ट्रेन में मासूम बच्चे पड़े हुए, ये ट्रेन में एक एक छोटे छोटे दो दो साल के बच्चे सब भूखे भूखे मर रहे हैं। किसी से कुछ गवर्नमेंट से कुछ हेल्प नहीं हो रहा है। यहाँ पे छोटे छोटे बच्चों का तबीयत खराब हो रहा है और पूरी पब्लिक। साहब हम मजदूर हैं, किस्मत से मजबूर हैं। देखिए जरा इन प्रवासी मजदूरों को, कोरोना काल में सबसे ज्यादा दर बदर और बेहाल हालत में कोई है तो ये बेचारे हैं। पहले पैदल चलकर मारे जा रहे थे तो अब ट्रेन के अंदर मर रहे हैं। श्रमिक स्पेशल ट्रेन जो उन्हें उनके घर पहुंचाने आई थी, घर तो नहीं पहुंचा रही, बदले में भूख और प्यास से जान ले रही है। जरा सुनिए कैसे ये ट्रेन 4 दिन पहले चली है और मजदूर अब भी रास्ते में हैं। ये ट्रेन वसई से चली थी, 3 दिन पहले ये वसई से डायरेक्ट गोरखपुर के लिए चली है। बोला गया था कि डायरेक्ट ये वसई से डायरेक्ट गोरखपुर जाएगी, लेकिन ये वसई से डायरेक्ट ये कहाँ कहाँ भुसावल से और डायरेक्ट कहाँ निकली है, ये उड़ीसा आई है, उड़ीसा से झारखंड गई है, झारखंड से छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ से कोलकाता। कैसे ये मजदूर ट्रेन में बैठे तो हैं लेकिन भारत भ्रमण कर रहे हैं, और जो मजदूर भूख प्यास नहीं सह पा रहे वो दुनिया ही छोड़कर चले जा रहे हैं, जैसे मौत का सफर कर रहे हैं। पिछले 24 घंटे में 9 श्रमिकों की मौत, वाराणसी और बलिया में 4 मौतें, मंडुआडीह स्टेशन पर 2 मौतें, बिहार में स्पेशल ट्रेन में 4 मौतें, झारखंड में 1 प्रवासी श्रमिक की मौत, मुजफ्फरपुर में मां की मौत बच्चा जगाता रहा, भूख गर्मी और डिहाइड्रेशन से हो रही मौतें, 4 घंटे का रास्ता 16 घंटे में पूरा हो रहा, गोरखपुर पहुंचने वाली ट्रेन ओडिशा पहुंच गई, बस्ती पहुंचने वाली ट्रेन गाजियाबाद पहुंच गई, पटना पहुंचने वाली ट्रेन बंगाल के पुरुलिया पहुंच गई, दरभंगा पहुंचने वाली ट्रेन राउरकेला पहुंच गई। साहब ये वो परियोजना है जिसकी बदौलत श्रमिकों को घर भेजा जाना था, पर ये घर जाने की जगह पहुंच कहीं और रहे हैं, और इनकी इस हालत के जिम्मेदार अपनी खुशफहमी से बाहर ही नहीं आ पा रहे। जरा सोच कर देखिए, आप जहां 4 से 8 घंटे में पहुंच सकते हैं उसकी जगह आपको 2-2 दिन चलना पड़े तो कैसा लगेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत समाचार।